फ्रेंड्स कभी सोचा है LIC देश की नंबर वन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी है एंड उसका मैं आपको बताऊं कि सबसे विश्वासपात्र कंपनी है जिसका IPO लास्ट में आया था। वो बात अलग है कि IPO की वैल्यू में जितना आया था उतना तक पहुंच नहीं पाया, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अगर हम सोचे LIC जितने क्लेम होते हैं मैक्सिमम उसको पे करती है, मीन्स उसको जो भी क्लेम है उसको कैंसिल बहुत कम करती है। LIC ऐसा इन्वेस्ट कहाँ कर दोगी जो रिटर्न अच्छा लेके आती है एंड पूरे देश की मैं बोलूँ वर्ल्ड में उसका नाम है, कितने विश्वास पात्र कंपनी है जो क्लेम अच्छे से पास करती है। एंड फ्रेंड्स कुछ तो ऐसा होगा कि आज मैं कोई अपना प्रीमियम दिया जहाँ पे कमीशन भी बहुत ज़्यादा देती है, एजेंट्स को, बाकी सबको, BDO को भी मिलता है, ब्रांच मैन को मिलता है, सबको मिलता है एंड गवर्नमेंट को भी उसका बोनस देती है, पर कहीं तो इन्वेस्ट करती होगी। बहुत से बहुत सवाल है, 6 मैक्सिमम जगह है फ्रेंड्स एंड मैं मैक्सिमम बोलूंगा कि 6 जगह ऐसे जहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्ट करती है, बाकी बहुत छोटे छोटे करती होगी। सबसे पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज इट इज सेड एज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको हम GSEC बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो सब में इन्वेस्ट करती हैं। सेकेंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो पब्लिक के भी होते हैं प्राइवेट के भी होते हैं फ्रेंड्स, तो वो दोनों जगह इन्वेस्ट करती है। बट येस इट टेक्स केयर कि उसकी ट्रेड वर्थीनेस कितना है, उसका रेटिंग क्या है, AAA+ ये सब है तो उस पर करती है इन्वेस्ट, आपको ध्यान रखना है। थर्ड, जितने लोग सोचते हैं कभी कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड इक्विटी मार्केट। हाँ शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये उसने कोई भी पेनी स्टॉक में डाल दिया, इट इन्वेस्ट एट दैट टाइम जहाँ पे इवेल्यूएशन करके उनके पास बहुत एक्सपर्ट बैठे वो लोग सोच के वहाँ पे इन्वेस्ट कराते हैं। ठीक है इन्वेस्ट तो कर दिया, उसका एग्जाम्पल कुछ याद हो फ्रेंड्स, जब कोविड आया था तो कोविड में निफ्टी BSE ब्लड बाथ में गए थे जहाँ पे ऐसा लगे आज निफ्टी खत्म, निफ्टी में सर्किट लग गई थी यानी स्टॉप हो गया पूरा मार्केट ही। एंड इफ यू कैन रिमेम्बर फ्रेंड्स कि उस समय पे अच्छा मैंने निफ्टी स्टॉप किया, वापस स्टार्ट हुआ, वापस उसने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया, बिकॉज एट दैट टाइम द लास्ट रिसोर्ट वॉज LIC आया परचेज करने सब इक्विटी, तुम बेचो मैं खरीदता हूँ, मैं खड़ा हूँ FII के सामने, एंड एट दैट टाइम इट बिकेम अ सेवियर फॉर द गवर्नमेंट। एंड आज भी आप देखोगे तो LIC का बहुत अच्छा फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी मार्केट में है एंड उसने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न मिली, अच्छे अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करता है वो, और कहा सकता है। यस फ्रेंड्स रियल एस्टेट में LIC देखो कितने सारे ऑफिसेस हैं, मोस्टली सेल्फ ओन्ड ऑफिसेस हैं, उसके अलावा भी बहुत जगह पे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करता है एंड यस लोन भी देता है। हैव यू हर्ड ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दैट, एंड खुद की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लेके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। IDBI बैंक जहाँ पे 50% स्टेक जो है LIC का हो चुका है। यस फ्रेंड्स यू विल फाइंड कि ना LIC का जो है 50% के आसपास के स्टेक है वहाँ पे, यानी आधी बैंक जो है ओन कौन कर LIC एंड LIC उसके अंदर DSA भी देता है, बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि LIC इज अ गुड और बैड, एंड सबसे लास्ट सोचो क्या होगा, दैट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यानी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। अगर LIC को लगता है मुझे छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, दैट इज अ बेस्ट थिंग फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये 6 चीज, क्या आपने कभी सोचा था कि LIC ये सब जगह इन्वेस्ट कर सकता है? अगर ये सब जगह आप भी इन्वेस्ट करते हो आप भी पैसा वाले बन सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ अ पर्सन। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मुझे, मैं हूँ CS अमर चौधरी, सब्सक्राइब कीजिए बाकी है तो फिनटेक चैनल के। थैंक यू।